ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स के बारे में पूछा है आपने, इतनी बड़ी चीज़ पूछी है एकदम छोटे से समय में, 10 मिनट के वीडियो में क्या क्या पता चल जाए। सबसे पहले तो सेक्स कोई थियरी की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ है। जाइए करना शुरू कर दीजिए नहीं, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है जजमेंट। जब भी आप सेक्स के मैटर को सोचें, करें, बताएं, सुने, जजमेंट नहीं होना चाहिए। जिस एनर्जी के साथ आप काम करना चाहते हैं उसके साथ कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। जजमेंट को पहचानना शुरू करिए। आप कैसे पहचानते हैं जजमेंट, मुझे कमेंट में लिख के बताइए। जब आपके लाइफ में कोई भी चीज़ होती है तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आप उसको जज कर रहे हैं? कि जज करना अलग है, ये पता चलना कि आप जज कर रहे हैं ये अलग है। क्योंकि जब तक वो थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, जब तक अगर थोड़ा सा अलग नहीं होंगे तब तक आपके अंदर की जजमेंट खत्म नहीं होगी, और जब तक जजमेंट खत्म नहीं होगी तब तक वो एनर्जी आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी लाइव चीज़ है, ये ब्रह्मांड पूरी जिंदा चीज़ है। जब आप सेक्स के बारे में सोचते हैं तो ऐसे ही आपको वेव्स मिलते हैं। आप जब जज करते हैं सेक्सुअलिटी को तो आपकी, छोड़िए तो बाकी तो दुनिया को छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी के अंदर सेक्स है वो फिर रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले तो आपको जज नहीं करना है, इसकी पूरी अलग थियरी है और प्रैक्टिसेस हैं। जब आप सेक्सुअलिटी के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तीन अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। एक तो नॉन सेक्सुअलिटी, जिसको आप नोफैप कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि पॉर्नोग्राफी नहीं देखना है, मास्टरबेशन नहीं करना है, तो वो तो हो गया नॉन सेक्सुअलिटी या तो ए सेक्सुअलिटी, आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा एक ही रहेगा। दूसरा होगा सेक्सुअल रेगुलेशन। आप अगर शादीशुदा हैं या अगर आपकी रिलेशनशिप चल रहा है तो आप कितने दिन तक अपने पार्टनर के साथ फ्रेंडली तरीके से रिलेशनशिप में कॉर्डली प्यार मोहब्बत के साथ सेक्स को अवॉइड कर सकें और दोनों एक साथ मिले जब मन से एक दूसरे के साथ है। एक भी आप दोनों में से अगर एक भी आदमी चाहता है और दूसरा नहीं चाहता है तो उस समय सेक्सुअल रेगुलेशन होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट कैसे करूं, ट्रांसम्यूटेशन कैसे करूं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा समझिए अपने आप से। अपने आप को तो समझना ही है, वो तो हर एस्पिरेंट का काम है। आपकी बॉडी है, आपको इस बॉडी से फ्री ना हो तो खुद को तो समझना ही, लेकिन आपको समझना होगा सामने वाले को। तो एक एक्सपेरिमेंट होगा ए सेक्सुअलिटी का, दूसरा होगा रेगुलेशन का और तीसरा होगा सेक्सुअल फ्रीडम का। जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो गिल्ट के साथ जाते हैं, ब्रेक्स के साथ जाते हैं, कंडीशनिंग के साथ जाते हैं, और बाहर जब निकल के आते हैं तो गिल्ट से भरे रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन से भरे रहते हैं, या एक थैंकफुलनेस की फीलिंग से भरे रहते हैं। क्योंकि आपका सोचना, जो भी आप फील कर रहे हैं वही बॉडी फील कर रही है। तो हो सकता है कुछ देर बाद आप तो भूल जाएं, किसी और काम में बिजी हो जाए, आपका माइंड किसी और चीज़ में बिजी हो जाए, बॉडी याद रखती है। और अगर सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन करना है तो ये बॉडी को करना है, खाली माइंड के काम करने से नहीं होता। तो सेक्सुअलिटी के साथ तीन तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। सांप गहरी गहरी सांस लेता है, कभी देखा है सांप की आवाज़ सुनी? एक हम लोग का एक वीडियो है, उसमें सांप के पास था मैं, क्या लंबी सांस ले सकते हैं आप, पूरी बॉडी से सांस ले सकते हैं? एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाएगा आपकी पूरी बॉडी को आप सांस लेते हुए महसूस करेंगे। इनफैक्ट जब आप ये महसूस करेंगे उस समय आप अपनी मॉलिकुलर बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रीदिंग इज द एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन डू और यू हैव टू डू फॉर सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। ये भी अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है। इनफैक्ट सांस के विज्ञान से हम अपने आसपास के लोगों को रीड कर सकते हैं, उनके साथ हो सकते हैं। ये भी एक तरह का सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, जहाँ पर आप अपने माइंड को प्योरली रिफ्लेक्टर बना देते हैं, रिफ्लेक्ट करने वाला। और जब आप सामने वाले को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो आपके अंदर में आपका माइंड जो कुछ भी है वो सब रिफ्लेक्ट होता है। जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसको ट्रांसेंड कर सकते हैं, आप उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट होगा थॉट्स का, जिसमें आपको ग्रॉस से सटल थॉट्स को पहचानना होगा, उनको बोलना होगा और उनको सोचना होगा। और सबसे सटल थॉट कौन सा होता है? कमेंट करिए
सबसे सटल थॉट कौन सा होता है? चुप्पी वाला, साइलेंस वाला। तो पहचानना शुरू करिए, एक रिदम, एक म्यूजिक। जब आप किसी से कुछ कहते हैं तो क्या चाहते हैं, वो करे या उसको फ्रीडम देते हैं आप? आपकी भाषा का स्ट्रक्चर देखिए। जब आप लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं किसी को मैसेज, तो उसमें सुंदरता है या अखड़पन है? जब आप कुछ चाहते हैं उसमें डेस्परेटनेस है या हम्बलनेस है? यहां तक कि जब आप एनलाइटनमेंट भी चाहते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, तो आप एक पहाड़ी और उथली नदी हैं या एक गहरी नदी है? आप कैसे फ्लो करते हैं, आपका माइंड कैसे फ्लो करता है? इसलिए तो बुद्ध की जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं उसमें से एक टीचिंग है, राइट थॉट्स, राइट स्पीच, राइट एक्शंस। थॉट्स से शुरू होता है। जब तक आप अपने सटल थॉट्स को पहचान नहीं पाएंगे, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे उनको। अगर खाली ग्रॉस एरोगेंट थॉट्स, अपने थॉट्स की एरोगेंसी को पहचान पाते हैं? अगर खाली वही दिमाग में चल रहा है तो खाली उसी को रिस्पॉन्ड करेंगे आप। जैसे बच्चा होता है ना, भड़कीली चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, मोबाइल को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन आसपास की चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसलिए बच्चे से बचपन में दूर रखना पड़ता है, मोबाइल फ़ोन को नेचर के पास रखना होता है, तब उस बच्चे का अवेयरनेस डेवलप होता है, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है। आजकल के बच्चों का ADHD जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि बचपन में उनको मोबाइल देते हैं, एक्साइटिंग चीज़ें दे देते हैं। तो आपका माइंड खाली एक्साइटिंग थॉट्स को रिस्पॉन्ड करता है या सटल थॉट्स को पहचान पाता है? सबसे लंबा एक्सपेरिमेंट है वो, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, या शायद पूरी ज़िंदगी का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने सीरियस हैं। और वो है एक्सपेरिमेंट विथ स्पिरिचुअल टीचिंग्स। आज ही मैं बता रहा था जिन लोगों का एडवांस में कि हम लोगों का नॉर्मल आदमी का माइंड इस लायक नहीं है कि वो स्पिरिचुअलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। अर्जुन का भी माइंड था नहीं इतना रेडी, जनक का था। इसलिए जनक ने थोड़ी बहुत बातें पूछी और अष्टवक्र ने बताया, जनक हो गए एनलाइटेंड। अर्जुन बकबक 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 किए जा रहे हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब था, वो घर छोड़ के भागना चाहते थे, लड़ाई से भागना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे। हम और आप भी वही हैं, हम सचमुच में टीचिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। उनके साथ कृष्ण कितने सालों से थे, क्या वो उनके डिसाइपल बने? उस दिन तो पकड़ में आ गए। क्या आप स्पिरिचुअल टीचिंग्स में एज अ प्रोफेशनल इंटरेस्टेड हैं जितना आप अपने करियर के लिए, अपने सालों को, कॉलेज को, अपने प्रोफेसर को, अपने डिग्री के लिए देते हैं? क्या वैसे अपने आप को स्पिरिचुअल टीचिंग्स के लिए डेडिकेट करने को तैयार हैं? इसमें हम आसान रास्ता खोज लेते हैं, तो हमारे लिए दुकानें भी आसान अवेलेबल हैं। गुरुजी, हम गुरुजी समझा देंगे, हम समझ लेंगे। इसलिए कृष्णमूर्ति को ध्यान से सुनिएगा, अथॉरिटी नहीं। अगर कोई आदमी कुछ पढ़ा रहा है तो वो टीचिंग्स क्या है? टीचर को हटा दीजिएगा, टीचिंग्स पकड़िएगा। तो क्या आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, रुकिए, क्या सोच रहे हैं आप? जब मैंने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो दिमाग में क्या आया? जो कुछ भी आया वो सब का सब सिस्टम वन था, वो सब का सब केवल आपका एजम्पशन था कि आप जानते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं यम जानता हूँ, नियम जानता हूँ, मुझे याद है। भूल गया? याद है आपको? हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं हॉस्पिटल में, या जब मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें रिफ्लेक्स के तरीके से तुरंत हैबिट में होती है। तो क्या आपके यम, नियम आपकी लाइफ का पार्ट है कि उसके लिए जाकर के आपको वीडियो देखना पड़ता है, रटना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं, बाद में गिल्टी फील करते हैं? जब तक ये चीज़ों में आपका गहरा 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 इंटरेस्ट नहीं होगा, और खाली इसी में सबसे ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट होना चाहिए, तब तक आप अपनी सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन नहीं कर सकते। बिकॉज सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन एनर्जी का ओवरलोड है। सेक्स कोई गंदी चीज़ नहीं है, वो रिलीज ऑफ एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है। जब एक बार आप उसको ट्रांसम्यूट कर देंगे, उसके बाद उस एनर्जी को कहाँ खर्च करेंगे? स्पिरिचुअलिटी खाली एक अकेला ऐसा एक्टिविटी है जो इतनी एनर्जी को यूज़ कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए बहुत से लोग करियर में, अपने टैलेंट में, अपने घर में सक्सेसफुल होने के बावजूद धाड़ करके गिर जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के साइंस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने को तैयार है। उनको लगता है ये सब खाली किताबी बातें, ये सब तो भटकाने वाली बातें। स्पिरिचुअल रिजल्ट्स नहीं, समाधि के स्टेट तक पहुंचना वो नहीं, पहले जर्नी, रास्ते को पहले समझने की कोशिश करिए, रिजल्ट तो बाद में आएगा। एक्सपेरिमेंट विथ सटल मूवमेंट्स। जितनी भी क्रियाएं करते हैं, क्रिया योग के बारे में कितने लोग पूछते हैं आप लोग, वो सब के सब आपकी बॉडी के मूवमेंट्स के साथ के एनर्जी के एक्सपीरियंसेस को महसूस करना सिखाती है।
जैसे ही आप बॉडी के मूवमेंट्स में, अपने चलने में, अपने खाना खाने में, खाने को टेस्ट करने में, नहाते समय, अपने काम को करते समय, बैठते समय, हर एक्टिविटी में जब आप अपने मूवमेंट्स को बहुत ही ध्यान देंगे, तो वो ध्यान क्या हो रहा है, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूट होती जा रही है। बेसिकली जब आप अनकॉन्शियस रहते हैं तो सेक्सुअलिटी इकट्ठी हो जाती है, फप करके बाहर निकलती है, मास्टरबेशन के रूप में या सेक्स के रूप में या नाइटफॉल के रूप में। लेकिन वही जब वो ध्यान बन जाती है तो अपने आसपास की जगहों में, खासतौर से अपनी बॉडी में, अभी हम लोग जिनों का एडवांस पढ़ रहे थे किस तरह से आप केवल अगर अपनी बॉडी को ही महसूस करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, कुछ दिन में एनलाइटमेंट हो जाएंगे। सबसे लास्ट में क्या दे सकते हैं आप? अभी कल एक सज्जन का कॉल आया, बात करना चाहते थे। मैं खाली तब बात करता हूँ जब कोई जेन्युइन स्टूडेंट बहुत सीरियस होता है, जब वो अपना टाइम, अपना एफर्ट और अपनी मेहनत, जब आप फीस देते हैं तो आप अपनी मेहनत देते हैं, आप रिस्क लगाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इस काम में रिस्क नहीं है। आप क्या लगा सकते हैं? ट्रांसम्यूटेशन मतलब ये बॉडी से बोल रहे हैं आप कि छोड़ दे, तू सेक्सुअल एक्सपीरियंस को छोड़ दे, मैं तुझे इससे बड़ी चीज़ दूंगा। तो कितना दांव पे लगा सकते हैं? ये बॉडी तब तक नहीं आपका साथ देगी जब तक उसको समझ में नहीं आता है। ये बॉडी हमसे और आपसे ज़्यादा समझदार है, वो आपको ज़िंदा करके चला रही है, आपके हार्ट को बीट करा रही है, आपके लिए इम्यूनिटी का फैक्ट्री चला रही है, आपके खाने को पचा रही है, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को, बॉडी के न्यूरॉन्स को संभाल रही है। इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप, वो हर स्टेप पे आपको क्वेश्चन पूछेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 साल का टाइम दीजिए, कम से कम 2 साल का, और अपने ब्रेन को तैयार करिए सेक्सुअलिटी के लिए। नहीं, सेक्सुअलिटी तो एक छोटा सा कोना है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट कोना है, उसको उस छोर तक पूरी दर्शन दिखाने के लिए कि कहाँ तुझे जाना है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी लाइफ को डेडिकेट करिए खुद को समझने के लिए। SPMT और ज़ेनोगा एडवांस आपके लिए एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। जब कभी हम लोग प्रोग्राम चालू करेंगे तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, हो सकता है हम आपके शहर में भी आएँ, लेकिन फ़िलहाल यही एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप खुद करेंगे, अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपका स्वागत है।